सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में खींचतान चल रही है। सीट शेयरिंग पर चर्चा भी तेज है। इस बीच कांग्रेस के भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने नौगछिया में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन से कांग्रेस को 8-9 सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने भागलपुर लोकसभा सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को सीट मिलती है तो यहां के उम्मीदवार मेरी बेटी नेहा शर्मा भी हो सकती है। पार्टी अगर कहेंगे तो चुनाव हम लड़ेंगे। वहीं उन्होंने राजद के द्वारा कांग्रेस को भाव न देने की बात पर कहा कि हम लोग गठबंधन में हैं, परिवार की बात है, हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, सख्ती से लड़ेंगे और पूरे बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। वहीं बेगूसराय और कटिहार सीट कम्युनिस्ट पार्टी को मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी हमारे साथ है, हम लोग गठबंधन में है, सबको सीट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं, इस बार बिहार की धरती से एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। बिहार की धरती में वो ताकत है कि पूरे भारतवर्ष को आजाद करने में बिहार ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को हटाने का पूरा भार बिहार को है। हम लोग गठबंधन में है, परिवार की बात है, ये सब चर्चा है, बिल्कुल भाव क्या मतलब, हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, सख्ती से लड़ेंगे और एनडीए को पूरा बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। कटिहार सर क्लियर हो गया कि वहाँ कम्युनिस्ट है, वहाँ पे दूसरे पार्टी सर माले भी मेरे साथ है, सीपीआई भी मेरे साथ है, सब लोग हम लोग गठबंधन में है, सबको सीट मिलना है। भागलपुर कांग्रेस को मिलना चाहिए, भागलपुर लड़ेंगे और भागलपुर अगर आता है तो मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी नेहा शर्मा लड़े, चूंकि हम तो विधायक हैं, अगर पार्टी चाहेगी मुझे ही लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, एनडीए को इस बार सफाया करेंगे बिहार से, बिहार की धरती में वो ताकत है, पूरे भारतवर्ष को आजाद कर अहम भूमिका बिहार निभाई है और नरेंद्र मोदी जी को हटाने का पूरा भार बिहार को है। कितना मिल रहा है सर? ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन 8-9 सीट मिलना चाहिए। भागलपुर के जिलाधिकारी ने पूर्वी बिहार की सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। डीएम ने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते दिखे। इसके बाद डीएम रजिस्ट्रेशन काउंटर पहुंचे, जहां पर भीड़ भाड़ देख स्थिति को दयनीय बताया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए रजिस्ट्रेशन काउंटर दूसरी जगह बनाया जाए, ताकि बाहर से आने वाले मरीज के परिजन परेशानियों का सामना न करें। भीड़ भाड़ होने के कारण मरीज के परिजनों को रजिस्ट्रेशन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को यह भी कहा कि प्रयास किया जाए कि सभी मरीज को एक जगह रखा जाए, संबंधित डिपार्टमेंट के डॉक्टर प्रारंभिक जांच के बाद उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इसके बाद जांच रिपोर्ट के अनुसार वहीं पर उनका इलाज किया जाए या संबंधित डिपार्टमेंट में उसे भर्ती लेकर इलाज किया जाए। बाहर से आने वाले मरीज के परिजनों को यह पता नहीं होता कि मरीज किस डिपार्टमेंट में भर्ती है, इसको लेकर भी पहल किया जाएगा। अस्पताल गेट के सामने गार्ड को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे मरीज के परिजनों को सही पता कर उसे अपने परिजनों के पास भेजा जाए, उसे इधर उधर भटकना ना पड़े। डीएम ने आगे बताया कि बिहार के तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा शहर भागलपुर है, लेकिन यहां मेडिकल में एयर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। मैनेजर को दिशा निर्देश दिया गया है कि इस पर पहल करें, हम लोग भी विभाग में पत्राचार करेंगे और इस पर जल्द पहल की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी मौजूद थे। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पे काफ़ी खर्च कर रही है और काफ़ी संख्या में कई सुविधाएं उपलब्ध भी हैं, लेकिन अस्पताल में कुछ चीज़ों का अभाव रहता है, जिसके कारण से लोगों को असंतोष रहता है। मैंने निर्देश दिया है कि जैसे ही अस्पताल में हमारा कोई मरीज पहुंच गया तो मेरा ये प्रयास हो कि उस मरीज को अपने हम खुद से पिकअप करें, खुद से उसका अटेंडेंट सिस्टम डेवलप करें, सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप करें, जैसे ट्रायल सिस्टम को उसको मजबूत करें, ताकि पेशेंट को एक जगह पे हम रखें और वहीं से जिन जिन डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है वो पेशेंट को आकर के वहाँ चेक करें, वहाँ से उसका सैम्पलिंग हो जाए और उन सैंपल्स का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाए और पेशेंट को एक सेटिस्फैक्शन भी हो, उसका विधिवत इलाज भी हो। मैंने इस बात पे भी जोर दिया है कि अस्पताल में यदि किसी गेट पे अस्पताल के कोई मरीज पहुंचता है, उसे कोई जानकारी नहीं है, तो जो सुरक्षा गार्ड हैं उन्हें भी ट्रेन किया जाए कि सुरक्षा गार्ड उनको सही जगह पे हमें पहुंचा दें, किस विंग में उन्हें मूव करना है, क्योंकि जो बाहर से पेशेंट आते हैं उनके परिजन दुख में होते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है, इस सिस्टम को भी डेवलप किया जाए। थर्ड की मैंने कहा है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी में भी कई इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, लेकिन वहाँ कुछ मैन पावर की कमी है, उसके लिए हम लोग पत्राचार करें, मैं भी विभाग से बात करूँगा ताकि मैन पावर आ जाए, कि काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। चौथा कि भागलपुर बिहार का जो तीसरा सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे मेडिकल एम्बुलेंस जो एयर एम्बुलेंस है वो नहीं है। मैंने निर्देश दिया है अभी मैनेजर को कि आप टाई अप कीजिए और हम लोग पत्राचार भी करेंगे
ताकि यदि कई लोग ऐसे हैं जो अपने खर्च पे भी बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें सुविधा नहीं हो पाती है, तो इसको हम लोग ऑन पेपर रखेंगे। फोर्थ की कई जगहों पे कई डिपार्टमेंट में हमारे पास मैन पावर की कमी है, तो हमने यही कहा है कि मैन पावर को हम लोग प्रॉपर ट्रेन भी करें और कहीं दूसरे विभाग से भी मैन पावर को जो हमको ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो ट्रांसफ़र करके भी जहाँ मैन पावर की अधिक आवश्यकता है वहाँ उसको मजबूत करें, ट्रेन करें और अपनी सुविधाओं को और मजबूत करें। इसके अलावा जो OPD का रजिस्ट्रेशन है उसका स्थल बहुत ठीक नहीं था, वहाँ भीड़ हो जाती है, लोगों को असुविधा होती है। मैंने कहा है कि OPD का स्थल दूसरे जगह रखें, रजिस्ट्रेशन स्थल, ताकि लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। और अस्पताल में एक बेहतर लुक के लिए भी हमने निर्देश दिया है, सड़कें हैं ख़राब हैं कई जगहों पर या छाया कई जगहों पर नहीं है, उसके लिए हमने प्लांटेशन करने का भी। भागलपुर की पनसाला चौक के पास गनीचक में स्थित द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल में सेशन 2023-24 के लिए रिजल्ट डे का आयोजन किया गया। इस रिजल्ट डे में प्री नर्सरी से लेकर क्लास 9th तक के वैसे बच्चे जिन्होंने अपने क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किया, उन बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट और प्राइज देकर सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। वहीं रिजल्ट डे के अवसर पर आए बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को अच्छे प्रदर्शन के लिए सम्मानित होता देखकर काफी खुश नजर आए। स्कूल के डायरेक्टर साकिब निसार और प्रिंसिपल मारिया सालोमिल ने संयुक्त रूप से बच्चों के बीच मेडल, सर्टिफिकेट और प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया। रिजल्ट डे के अवसर पर प्रिंसिपल मारिया सालोमिल ने उपस्थित अभिभावकों और बच्चों को संबोधित करते हुए एनकरेज किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजर रवि ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों को आगे और अच्छा करने का प्रोत्साहन मिलता है। हमारा स्कूल सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। वहीं रिजल्ट डे के अवसर पर पहुंचे बच्चों के अभिभावकों ने कहा कि भागलपुर के अन्य स्कूलों के मुकाबले यहां की पढ़ाई और सुविधाएं काफी अच्छी हैं। वे लोग अपने बच्चों की सफलता से काफी खुश हैं। आज बहुत अच्छा लगा, प्राइज मिला, इससे बच्चे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि वो अच्छा करें, आगे और परसेंटेज अच्छा लाएं, 90+ लाएं, 98+ लाएं, अच्छा लगा देख के, बच्चे को हिम्मत मिलता है इससे। यहाँ सब लोग ठीक हैं, स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्कूल भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर द प्रिंसिपल, द मैनेजमेंट एंड द टीचर्स फॉर द वैल्यूएबल सपोर्ट्स एंड गाइडेंस। ब्लूबेल स्कूल एक हमारे घर के पास में बहुत ही अच्छा स्कूल है और मुझे खुशी है कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छी डिसिप्लिन है और मैं हमेशा नोटिस करता हूँ अपने बच्चे के साथ में। ये मेरा भतीजा है मुनाकिब जो आज फर्स्ट रैंक लाया है और मैंने नोटिस किया है डिसिप्लिन और पढ़ाई दोनों ही बहुत अच्छी है यहाँ पे। मुझे खुशी है कि मैं मेरा बच्चा इस स्कूल का पार्ट है। बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार मेरे बच्चे को प्राइज मिला है और थैंक यू सोना मैम, बहुत अच्छा है और इस मेरे बच्चे का मतलब पहला स्कूल है ये और हमको बहुत खुशी हुई। थर्ड रैंक आया है मेरी बेटी को और बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल अच्छी है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, बच्चे पे सारे एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है, पढ़ाई पे, कल्चरल पे, हर तरह के एक्टिविटी स्कूल में अच्छे से होते हैं, बच्चे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उन पर ध्यान भी दिया जाता है अच्छे से। स्कूल का सारा मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और स्कूल की जो जितने भी शिक्षक गण हैं उन लोगों का सबसे पहले टीचिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा नहीं देखा जाता है, सारे बच्चों को करेज दिया जाता है और स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, एक वेल बिहेवियर, सारे बच्चों का वेल बिहेव है और स्कूल का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है। आज द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल का आज रिपोर्ट का डे था, आज हमारे जो क्लास स्कूल में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनको स्टेज पे इंकरेज किया गया, सम्मानित किया गया प्राइज, मेडल, सर्टिफिकेट दे करके और सारे पेरेंट्स स्कूल से यहाँ पे ये हमारे होनहार बच्चे जो स्कूल के नाम हम लोग स्कूलों में इस तरह से इंकरेज करते ताकि बच्चों का मनोबल और बढ़े। द ब्लू बेल इंटरनेशनल स्कूल अपने स्थापना के समय से ही जिस तरह हम लोग चाह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, मॉडर्न एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं और आप देख रहे हैं कि आज बच्चे के अंदर क्या उत्साह है, आज रिपोर्ट कार्ड डे है।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आगामी त्यौहार होली को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए होली के दिन सभी चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों को तैनात किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्ती करेगी। जिले के बॉर्डर इलाकों में पुलिस की विशेष टीम भ्रमणशील रहेगी। होली की हुड़दंगियों पर पुलिस की पहली नजर रहेगी। भागलपुर के SSP आनंद कुमार ने लोगों से शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। देखिए, होली इस क्षेत्र में 24-25 को मनाए जाने की सूचना है। 24 तारीख की रात्रि में संबत जलेगी और फिर 25 तारीख को होली मनाई जाएगी। इसके लिए पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पिछले कई दिनों से हम लगातार तैयारी कर रहे हैं और शहर और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में लगातार CAPF के साथ स्थानीय पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन, छापेमारी, वाहन चेकिंग के अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और इस क्रम में काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी भी हुई है और बहुत बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब की विनष्टीकरण भी किया गया है पुलिस और CAPF की टीम के द्वारा। और हमारा और DM साहब का संयुक्त आदेश भी निकला है और पूरे जिले में लगभग 400 स्थलों पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती 24 और 25 तारीख को की जाएगी ताकि कहीं भी कोई नपरी घटना ना घटे और होली का त्यौहार जो है भाईचारा का त्यौहार है, शांति और मोहब्बत का त्यौहार है। तो पूरे जिले वासियों से भी अनुरोध है कि इस पूरे त्यौहार को हंसी खुशी अमन के माहौल में मनाएं और सावधान होकर मनाएं। बहुत सारे ऐसे भी रंग आ गए हैं, अबीर आ गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग होता है, तो वैसे चीज़ों का प्रयोग ना करें जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। रंगों का त्यौहार होली को शांति व भाईचारे के साथ मनाने को लेकर आज SDM रंजय कुमार ने शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, पूरे देश में अभी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और इस बीच होली का पर्व सामने है और रमजान भी चल रहा है। SDM रंजय कुमार ने होली के पर्व में सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए शांति समिति की बैठक में लोगों से शांति बहाल करने की अपील की। वहीं विशेषकर संबत जलाने के समय विशेष ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि जहां भी संबत जलाया जाए वहां प्रशासन के लोग मौजूद रहेंगे, साथ ही रंगों के पर्व होली के समय किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो जाए इसको लेकर हर संबत की जगह पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी तैनात रहेगी। को पता है कि होली अभी सामने है, उससे संबंधित शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था।
सबसे मेन जो होता है कि कल बहुत जगहों पे सम्मत जलाया जाएगा, जो देर रात्रि से ही उसकी शुरुआत होती है, तो उस पर विशेष करके हम लोग को ध्यान रखना है। शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से हम लोगों ने वही मैसेज दिया है कि किस प्रकार से समिति का ये जो सम्मत का जो स्टैकिंग किया जाता है फायरवुड्स का, उसको कैसे लगाना है ताकि बिजली के तार जो आप लोग देख रहे हैं कि पूरे शहर में केबलिंग किया जा रहा है वो भी उससे डिस्टर्ब ना हो, साथ ही साथ जो ट्रैफिक हो वो भी रेगुलेटेड रहे, किसी को कोई समस्या ना हो, और निश्चित रूप से आगजनी उससे हम लोग कैसे मतलब ऐसे करें कि आगजनी की कोई समस्या ना उत्पन्न हो, उसके लिए हम लोग की जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनकी भी जगह जगह पे तैनाती रहेगी। इसके अलावा आपको पता है कि अभी जनरल इलेक्शन 2024 भी प्रपोज्ड हैं, तो निश्चित रूप से एक अलग ही सेंसिटिविटी जुड़ जाती है सभी पर्व और त्यौहार से, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सारा प्लानिंग किया है। हर एक जगह पर डेपुटेशन वगैरह किया गया है और अगले दो दिनों में हम लोग के द्वारा फ्लैग मार्च भी सभी वैसे सेंसिटिव जगह पर निकाला जाएगा। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा होली के शुभ अवसर पर होली की उमंग बच्चों के संघ के तहत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चों के बीच पिचकारी, रंग, अबीर और चॉकलेट बांटे गए। कार्यक्रम हवाई अड्डा के पीछे सच्चिदानंद नगर में आयोजित किया गया, जिसमें करीब 60 बच्चों के बीच गुलाल, रंग, पिचकारी तथा चॉकलेट बांटे गए। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि हमारा त्यौहार खुशियों के लिए होता है, खुशी बांटने से खुशी मिलती है। हम लोग हर वर्ष हर पर्व में, चाहे वह दशहरा हो, दीपावली हो या होली हो, किसी न किसी मोहल्ले में जाते हैं और समाज के वंचित परिवार के बीच हम लोग त्यौहार उनके साथ मनाते हैं। इस अवसर पर संस्था के अखिलेश, मृत्युंजय, रजनीश सहित अन्य लोग मौजूद थे। खुशियों का त्यौहार है, प्रेम, मोहब्बत और सारी चीजें बांटने का त्यौहार है। हम लोग होली अपने घरों में मनाते हैं, खुशियों से मनाते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसे है जहाँ पर देने से खुशियाँ आती है। लोग दुखी झुंझुनियों में आए और जवारी पुल के पास, हवाई अड्डा के पास और बच्चों के बीच पहले भी हम लोग बांटते हैं, कोरोना में बीच में ब्रेक हो गया था तो हम लोग आए और बच्चों के बीच पिचकारी और रंग गुलाल बांटे, चॉकलेट बांटे। इनके चेहरे पर खुशी देखकर अच्छा लगता है, तो हम लोग सभी प्रेम भाव से होली मनाए और इसका जो मुख्य मकसद है कि सबको खुशियाँ आए, इसी के साथ होली मुबारक। भागलपुर के अलीगंज में स्थित राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां सामाजिक कार्यकर्ता संतोष शाह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली गीतों पर जमकर थिरके। वहीं इस दौरान राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी परिसर में सबसे पहले कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थापित भगवान की प्रतिमा पर अबीर गुलाल लगाया गया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई और महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने ढोल और झाल की थाप पर होली के गीतों का आनंद उठाया। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो आज हम लोग श्री श्री 108 राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी में होली मिलन समारोह कर रहे हैं और ये उमंग और उत्सव का त्यौहार है और हम लोग बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं और आनंद महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। उल्लास का दिन आज है, हमारे ग्रामवासी जुटे हुए हैं और खुशी पूर्वक उत्साह मना रहे हैं, होली पर्व मना रहे हैं, होली मिलन समारोह। भागलपुर की सबौर प्रखंड के ग्राम पंचायत बरारी के मीराचक वार्ड नंबर 2 में 25 वर्षों से सड़क नहीं बना था। ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बारिश के समय में सड़क पर बारिश के पानी से गड्ढे बन जाते थे। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को काफी कठिनाई होती थी, ग्रामीणों को आने जाने में कठिनाई होती थी। जिसके बाद सबौर के मुखिया के द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मुखिया के प्रति काफी खुशी जाहिर की। मुखिया द्वारा बताया गया कि मेरे पंचायत में सड़क हो या पानी की सुविधा हो, अन्य कार्य जो मेरे कोष से होगा वह करने के मैं तैयार हूँ। इन्होंने अपने नेतृत्व में वो रोड यहाँ बनवाए और एकदम सब चीज ठीक ठाक हो रहा है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ का ग्रामीण भी बहुत खुश है कि 25 साल बाद भागलपुर के स्मार्ट सिटी में होते हुए यहाँ पर रोड नहीं था। चाहे गर्मी का दिन हो या बरसात का दिन हो, सब एक मौसम लगता था। हमको प्यार देने के लिए इस समाज के सभी माता बहनों और सभी बुजुर्गों को और मेरे भाई समाज, सभी युवाओं को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहां का जो योजना हमने शुरू किया, सबका पूरा कॉपरेट भी रहा और उन लोगों का बहुत दिन से था किसी भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से कि यहां का उद्धार हो जाए। हम लोग भी आते थे ना, इतना मतलब